जय सिया राम। बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजोर आर्ट में। और 30 पेंटिंग बना के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। 30वीं पेंटिंग में जो पंचवटी में निवास करते हैं है ये मैंने बताया है। पर जो निवास करते करते एक बार सूर्पणखा उधर से गुजरती है तो उसकी नज़र पड़ती है राम लक्ष्मण और सीता पर। तो वो देखती है कि इतने सुंदर इतने बलशाली युवक है और इनसे मुझे उसकी वासना जग जाती है और उनसे मिलने की उनको बिल्कुल मोहित करने के लिए सुंदर स्त्री बन के जाती है। और वो बोलती है कि भी मेरे को आपसे प्रणय निवेदन करती है, मुझसे शादी कर लो, मुझसे प्रेम कर लो, इस तरह से निवेदन करती है। और श्री राम बोलते हैं कि देखो मैं तो मेरी पत्नी साथ में है और लक्ष्मण फ्री है, अभी लक्ष्मण के साथ में उसकी पत्नी नहीं है। तो वो लक्ष्मण की तरफ मतलब हंसी ठिठोली में ही लक्ष्मण की तरफ इंगित करते हैं। तब सूर्पणखा लक्ष्मण से बात करती है, चलो इसकी तो पत्नी साथ में है, कोई बात नहीं, तुम ही मेरे से शादी कर लो। तब लक्ष्मण जी भी बोलते हैं कि देखो, लक्ष्मण जी बोलते हैं अगर मेरे से शादी करोगी तो मैं तो दास हूँ श्री राम का, तुम भी दासी बन जाओगी, करना हो तो राम से करो ना, क्योंकि वो तो महाराजा है, बड़े हैं और मैं सेवक हूँ, वो तुम सेविका सेविका ही करते करते थक जाओगी। तो सूर्पणखा को बड़ा क्रोध आता है। ये सीन मैंने बनाया है कि सूर्पणखा प्रणय निवेदन करती है श्री राम से, लक्ष्मण से। ये सूर्पणखा बिल्कुल सुंदर स्त्री बन के आती है और श्री राम बोलते हैं भाई लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया ये कहाँ फंसा रहे हो मुझे। तो सीता जी बैठे बैठे सब देखते रहते हैं। और ये 31वीं पेंटिंग है, 31। और पहले जो भी पेंटिंग बनी है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो बाकी पेंटिंगों में भी काम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है और तो जैसे जैसे बनती जाएगी वो उसके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो 31 पेंटिंग हो चुकी है। अब पेंटिंग में भी लगभग 25% रास्ता पार हो चुका है भगवान की कृपा से और रात दिन मैं इसी में लगा हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं है कि मेरी ये पेंटिंग पूरी फाइनल हो जाए एक बार, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला पीस है। 108 पेंटिंग बनाने का निर्णय यूँ देखा जाए तो बहुत कठिन है, पर भगवान से हनुमान जी की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से ये कठिन नहीं लग रहा है। और खास प्रसंग सारे स्केच किए हैं अपने इमेजिनेशन से, किसी की कॉपी नहीं की है, किसी तरह से ट्रेस नहीं उतारी है। अगर कोई किसी को शंका हो तो मैं उसके सामने हर स्केच बना सकता हूँ, हर पेंटिंग बना सकता हूँ। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामने भी कर सकता हूँ हर काम। तो दोस्तों मेरी पेंटिंग कैसे लगी है आप अपना सुझाव जरूर दीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म।